पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई एवं खनन व पशुपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आए। दोनों ही मंत्रियों ने बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के आवास पहुंचकर विधायक की माता के निधन पर संवेदना प्रकट की। वहीं मंत्री सुखराम बिश्नोई व प्रमोद जैन भाया ने टिड्डियों से हुए फसल नुकसान पर विशेष गिरदावरी पूरी होने की बात कहते हुए प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की माता के निधन के बाद शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने आने वालों का सिलसिला जारी है। सोमवार को राज्य के तीन कैबिनेट मंत्री बाड़मेर विधायक के आवास पहुंचे। सोमवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, खनन एवं पशुपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया बाड़मेर पहुंचे। यहां उन्होंने बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की माता केशर देवी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उन्होंने बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, उनके भाई वेदमल जैन, एडवोकेट कन्हैयालाल जैन को ढांढस बंधाया। उन्होंने अरिहंत प्रभु से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। शोक मिलन आयोजन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने टिड्डियों के हमले पर बोलते हुए केंद्र सरकार से टिड्डियों के जन्म स्थान पर ही उन्हें खत्म करने को लेकर योजना बनाने और उसे मूर्त रूप देने की बात कही। टिड्डी आने के 10 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बाड़मेर जालौर दौरे पर आए थे, किसानों के खेत जाके देखे। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं और स्पेशल गिरदावरी का आदेश दिया। गिरदावरी हुई तो उस गिरदावरी के आधार पर मेरे ज़िले में 8 करोड़ रुपये अनुदान राशि के आगे बीमा के भी स्वीकृति करवा दी। इस बात को लेकर के सदैव मॉनिटरिंग सिंह साहब खुद कर रहे हैं, दवाई मुफ्त किसानों को दे रहे हैं, खेत में छिड़काव करें चाहे टिड्डी के नियंत्रण की छिड़काव करें। मैं भी 2 बार बाड़मेर जिले में शेरवा और जो चाड़बेरी उस मेरे विधानसभा के करीब 15-20 ट्रैक्टर लेकर आया था। आज कल रात्रि को मेरे विधानसभा में टिड्डी का पड़ाव था। मैंने मेरे स्तर पर ट्रैक्टरों को बुला करके और सरकार की तरफ से जो हमारे दवाई दी जा रही है उसकी पूरी व्यवस्था की और काफ़ी टीडी पर नियंत्रण किया गया। अभी वो टीडी बाड़मेर ज़िले में, वहाँ से टेलीफोन आ रहे हैं, बाड़मेर ज़िले में घुसी है। पूरा प्रयास करेंगे कि टीडी पर नियंत्रण जल्दी हो। 27,000 तो 2 हेक्टर पर अनुदान राशि है, बाकी जिन किसानों ने बीमा कर रखा है, बीमे की प्रीमियम जमा हो गए, उन लोगों को भी बीमा मिलेगा। जीरे पे 1 हेक्टर पे 41,000 रुपये है, ये गेहूँ की स्थिति 41,000 रुपये है, रायड़े पे है, इसब गोल पे है, तमाम जो जींस है रबी की तमाम पर बकायदा बीमा किया है। मेरे सांचौर में सबसे ज़्यादा बीमा हुआ है, 10,000 किसानों को बीमा की राशि पास हुई। सर, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि विशेष पैकेज भी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इन किसानों के लिए, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी आपदा इन पर आई है जिन्होंने लोन लिया है? देखो, टीडी पिछले महीने भर से 1.5 महीने हो गए बार बार आ रही है, राज्य सरकार प्रयास कर रही है, परंतु भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है क्योंकि लोकेस्ट विभाग भारत सरकार के अंडर में है। पिछले 30 साल से टीडी नहीं है, इसलिए जो अधिकारी कर्मचारी नई भर्ती हुई नहीं। भारत सरकार को चाहिए कि जहाँ ये टीडी का मतलब प्रजनन क्षेत्र है उस देश से टीटी करके वहीं मारने का प्रयास किया जाए ताकि मतलब भविष्य में टीडी नहीं आए। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई जालौर से बाड़मेर पहुंचे थे, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जैसलमेर से बाड़मेर आए, जबकि खनन एवं पशुपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जयपुर से बाड़मेर पहुंचे थे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बहरहाल बाड़मेर में हैं, बाकी दोनों मंत्री जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए हैं।